दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो पूरी मानवता की धरोहर होते हैं, पर बच्चों की जो दुनिया है वो हमें देखने में सुंदर तो लगती है, पर उनकी समस्याओं को हम वैसे समझ नहीं पाते जैसे हमें समझना चाहिए। और बहुत बार किसी इंसान का भावी जीवन कैसा है ये उसने जैसा बचपन जिया उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक बहुत बड़ी परेशानी से हमारे बच्चे इस दौर में गुजर रहे हैं, और वो है उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं। और तो इस मुद्दे पे आज हमने सोचा है क्यों ना बात करें। तो मेरे साथ हैं आज मीनाक्षी जोशी जी, अध्यापिका हैं वो भी। तो आज हम इस मुद्दे को कुछ और करीब से जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या वाकई इन चीज़ों को लेके वैसी जागरूकता है जैसी होनी चाहिए, और क्या कुछ है ऐसा जो किया जा सकता है और ताकि हमारे बच्चों को वो परेशानी ना उठानी पड़े जो उनके पूरे जीवन को इस तरह से प्रभावित करें। तो मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अच्छा मीनाक्षी जी, आप ये बताएं कि जैसा कि हमने बात की कि बच्चों के साथ जो छेड़ की घटनाएं होती हैं या बाल यौन शोषण जो होता है, जी जी तो क्या पाती हैं आप कि वर्तमान में कितना इसका असर है हमारे माहौल पे, बच्चे इसकी जद में कितना आते हैं? आपके देखे क्या लगता है आपको कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको ये झेलना पड़ता है? हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती मैं कि कितने बच्चे हैं जो इसको इन समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन ये है कि मैं जब भी आसपास में जब भी मैंने देखा तो बहुत सारे बच्चे, कई बच्चे जो हैं आपस में ही दोस्तों से ही, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी जैसे अश्लील हरकतें करना, मीन्स कि ऐसे ऐसे लिख लिख के देना कुछ कागज़ों पर, वो भी मुझे बड़ा ही घृणित सा लगता है कि ये बच्चे समझते नहीं हैं इन चीज़ों को कि ये इतनी, मतलब ये हरकत करनी चाहिए या नहीं चाहिए। फिर हम उन बच्चों को बताते भी हैं कि बेटा ये गलत बात है और इस तरह से करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम पढ़ने के लिए आते हो, ये काम करने के लिए थोड़ी आते हो। तो दूसरा ये कि जैसे आप कहते हो कि भी कितने बच्चे इसे हैं, तो मैं यूँ सोचती हूँ कि यदि हम सभी मिलके, तो सभी टीचर्स भी मिलके साथ साथ थोड़ा 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 भी करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत इतना विशाल हो जाएगा कि सभी उस तक पहुँच जाएंगे, बच्चों तक ये आवाज़ पहुँचेगी, माता पिता तक ये आवाज़ पहुँच जाएगी, सब सब जागरूक हो जाएंगे इसके बारे में। जी, तो आपने कहा कि मतलब बड़े बच्चों के साथ ऐसी हरकतें करें, इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चे भी या कुछ क्लास के जो मतलब हावी रहते हैं बच्चे, वो बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ हरकतें वैसी करते करते हैं? हैं करते हैं। अच्छा, पर आपको क्या लगता होगा, मतलब बच्चे अगर मान लो बहुत छोटा एक बच्चा है, प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ता है, तो वो बच्चा ऐसी हरकत फिर क्यों करता होगा? एक्चुअली में ये है कि उनका जो परिवेश है, जिस परिवेश से वे आए हैं, तो वहाँ का वातावरण वो लोग देखते हैं, तो उनको वहाँ पे कोई समझाने वाला भी नहीं होता। मतलब एक कमरा होता है, उसी में मतलब सभी रहते हैं, तो ये वो चीज़, मतलब जब सामने सब चीज़ें होती हैं मोस्टली, तो क्या होता है कि वो बच्चे फिर वो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि क्या है ये, क्या है, मतलब वो समझते तो है नहीं उस बात को, लेकिन फिर वो जो जो भी उनके साथ हरकतें करते हैं उनको फिर इस तरह के लालच दिए जाते हैं जिससे वो मतलब उसको एकदम से उसके पकड़ में आ जाता है, चाहे वो बड़ा हो या उनके घर का कोई सदस्य हो या कोई पड़ोस का व्यक्ति हो, तो उसके वो चंगुल में एक तरह से फंस जाता है, उसको इसका आभास नहीं होता कि भाई ये गलत है या ठीक है, तो ऐसा मतलब देखने में आया अच्छा, मेरे। एक इसमें जैसा आपने कहा कि बच्चों की तरह से बहलाना फुसलाने का जो काम करते हैं उसके बाद वो ऐसी हरकतें अंजाम देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे घरों में बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जैसे अवेयर किया जाना चाहिए, क्या होता है वैसा?
हाँ होता है, और जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं मोस्टली वो तो करते ही हैं जागरूक, या तो वो टीवी के माध्यम से करते हैं, या फिर मतलब मोबाइल पर भी आजकल बहुत सारी हैं ऐसे ऐसी चीज़ें, या फिर जैसे यूँ बैड टच और गुड टच के बारे में तो बताते ही हैं कि भी बेटा जब इस प्रकार से यदि तुम्हें ऐसे स्थानों पर छुए जहाँ पर मतलब तुम्हें आपत्ति सी लगती है, तो तुम उन मतलब तुम जो है थोड़ा सा वो वहाँ से या तो भाग जाओ या फिर अपने मम्मी पापा को आके बताओ। तो कहते हैं सब, मतलब सब कहते हैं या नहीं ये तो मुझे यूँ लगता है कि पढ़े लिखे माँ बाप तो ज़रूर कहते हैं, बाकी जिस परिवेश से हमारे बच्चे आते हैं ज़्यादा जागरूकता तो वहाँ फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो माँ बाप कहते होंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हाँ हैं कि समाज में जिन घरों से बच्चे हमारे पास विद्यालयों में जी आते हाँ हैं, जी तो उनमें इस चीज़ को लेके वैसी जागरूकता भी अभाव है उस चीज़ हाँ का जी 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 जी। जी और पर अगर ऐसे में मान लिया कि एक बच्चा है, उसके घर में उस तरह का माहौल नहीं है, हाँ जी जागरूकता की नहीं उस चीज़ को लेके कमी है, है फिर तो मुझे लगता है शिक्षक का और भी ज़्यादा शिक्षक दायित्व हो जाता जी है। जी जी तो क्या आप शिक्षकों को पाते हैं कि इस चीज़ को लेके वो अवेयर हैं, बच्चों को उतना क्या वाकई बता पाते हैं जो आज के दौर की आवश्यकता है? नहीं ऐसा मतलब कहते हैं कि हमने बता दिया है, लेकिन एक दो ही बार बता के उस बात को मतलब एंड कर देते हैं, और कई शिक्षक या कई महिलाएं शिक्षक भी मतलब इस नाम को लेते हुए मतलब बड़े ही ऐसे 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 महसूस करती है कि क्या या बाल यौन शोषण मतलब किस प्रकार का ये शब्द है। तो ये शब्द जो है वो अपने आप में ही उनको यूँ लगता है कि नहीं इस पर ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि शिक्षक बहुत कम करते हैं, करते तो हैं लेकिन बहुत कम है। वैसे तो बड़े बड़े स्कूलों में जैसे बालिका मंच चला था और शायद अब तो बंद भी हो गया होगा, तो बालिका मंच के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वो मतलब एक मंच तक ही सीमित रह जाता है, वो यूँ नहीं कि भाई घर घर या जन जन तक वो बात पहुँचे, वो यानी नहीं कि होता। आप कह रहे हैं कि बच्चों को इस बारे में जागरूक किया जाए, शायद जी वो जी एक सेकेंडरी स्टेप जी है, जी जो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जी उनको भी सेंसिटाइज किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि जब तक इस शायद मुद्दे पे आपके जी मुताबिक खुल के बात नहीं की हाँ जी जाएगी, हाँ तब जी तो चीज़ें जो दबी हुई दबी रह जाए, हैं तो वैसे ही उसी रूप में वो रहेंगी। कुंठित भावना है ना सभी में, जी मतलब टीचर भी बोलते हुए कतराते हैं, बच्चे तो कतराएंगे नेचुरल है, जब हम खुद ही नहीं बोल पाते उस चीज़ को तो बच्चे तो कैसे कहेंगे कि जी हाँ हमारे साथ ये बात हुई है। वो मतलब कोई भी मान लो उनके साथ किसी भी प्रकार की हरकत हुई है तो वो नहीं बता पाते माँ बाप को आके, या टीचर नहीं माना कि टीचर ने कर दिया हरकत तो उसको इस प्रकार का लालच दे दिया गया, या उसको प्रताड़ित किया गया, या उसको डराया गया धमकाया गया, तो फिर वो उसको मतलब ये सोचेगा कि मेरे शायद प्रैक्टिकल में नंबर नहीं लगेंगे या मेरा उसमें कहीं सर मेरा कुछ वो ना कर दे। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सभी से यूँ कहूँगी कि बात को कहना चाहिए जो तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो मतलब किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो स्पर्श से ही अगला क्यों ना वो कर रहे, तो फिर वो उसको महसूस करना चाहिए कि ये किस प्रकार का स्पर्श है। और वैसे तो देखा जाए तो देखो कई लड़कियां जो है ना वो मतलब इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, या लड़के भी हो जाते हैं, तो मैं सभी को उनको कहना चाहूँगी कि भाई वो लड़के और लड़कियां जो है ना वो ये पल भर की बातें हैं, उनको मतलब एक आगे बढ़ना है जीवन में और समाज में कुछ करके दिखाना है, तो उस इन बातों को परे छोड़ देना चाहिए, इन बातों की तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग लेवल की बातें हैं जो बहुत दिन है इन चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में मायने नहीं रखती इतनी। यानी कि आप शायद ये मुझे जो मुझे समझ में आया, आप शायद कहना चाह रहे हैं कि जीवन में मतलब एक इस जो दुनिया हाँ है जी ना, इसके अलावा भी बहुत सारे आयाम हैं जो हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, आनंद की बहुत सारी विषय हाँ वस्तुएं विशेष हैं और जीवन को हम आगे उस तरह से ले जा सकते हैं। जी तो पर आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ मीनाक्षी जी इशारा किया है, वो ये है कि जब इस चीज का हम नाम भी नहीं लेते तो
इतनी अछूत ये चीज़ हमारे लिए हो गई एक तरह से। तो उसी वजह से कि जब हमारे घरों में हमारे बच्चों के साथ या हमारे विद्यालयों में हमारे विद्यार्थियों के साथ ये घटनाएं होती हैं, तो वो कभी इस बात के लेके माता पिता के पास या टीचर के पास वो आ ही नहीं पाते। तो शायद इस नाम को लेके चर्चा की जानी बड़ी लाजमी है ताकि इस मुद्दे के ऊपर एक समय पर आने पर बात हो सके। जी जी, तो मैं तो यही समझती हूँ कि बल्कि सभी टीचरों को, जो पास पास के जो टीचर्स हैं, उनको बल्कि एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि जन जन तक ही इस बात को पहुँचाया जा सके। हमें परमिशन ले लेनी चाहिए DO से या BO से या जब बड़े लेवल पे भी कि हम जो है इसको ऐसे पहुँचाएँ ताकि कोई भी बच्चा इसका शिकार ना हो। आमतौर पर वो ऐसे बच्चे भी शिकार होते हैं जो मानसिक, उनका जो है मानसिकता लेवल जो है वो कम होता है, तो वो मोस्टली जो है ना बाहर के लोग ऐसे बच्चों को ज़्यादा शिकार करते हैं ताकि ये बताए ना उनको, किसी को भी ना बताए। और इसके बारे में ये भी है कि मान लो बता भी दिया तो माँ बाप बिल्कुल चुप्पी, कई माँ बाप चुप्पी साध लेते हैं, केस दर्ज भी नहीं होते। छोटे छोटे बच्चों के न जाने कितने ही ऐसे केस होते हैं लेकिन वो इसीलिए दबे पड़े रह जाते हैं और केस दर्ज होते हैं। और वैसे भी माँ बाप शायद सोचते हैं कि इसमें बदनामी है, शायद फ्यूचर को लेकर लड़कियों के बारे में कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं। जी जी। पर जब एक आदमी एक बच्चे के साथ हरकत करता है और उसको लगता है कि तुम्हारा बिगड़ा कुछ नहीं, तो फिर वही व्यवहार वो दोबारा भी दोहराता है। और जो कई हो सकता है ऐसे भी समाज में लोग हों कि जो देखते होंगे कि उसको, उसने ये काम किया था, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो उनको एक तरह से कानून का जो डर है वो तो नहीं रहता फिर। तो इस तरह से मतलब ना सिर्फ अपने बच्चे की लाइफ बचाएं, औरों के बच्चों के लिए अपना क्यों ना जो माता पिता हैं वो ये दायित्व माने कि वो सामने आएंगे, उस चीज़ की रिपोर्ट करेंगे, और ऐसे लोगों को समाज में उस तरह से जगह नहीं बनती, है ना, तो क्यों हमारे भविष्य का कुछ खिलवाड़ करें। जी, जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई कोई भी मतलब बताता नहीं है जी, और ये उसकी वो सोचता है कि ये तो जैसे उसने कर दिया है उसके साथ हरकत कर दी है तो उसका कोई आवाज़ तो उठा ही नहीं, उसकी आगे और उससे भी बड़ी करेगा वो, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें मतलब कदम उठाने चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि सभी महिलाएं जो हैं, काफ़ी महिलाएं नहीं करती हैं ये, घर से बाहर भी नहीं निकलती है, अभी क्या जाना है, चलो ड्यूटी कर ली है, 8 से 2 ड्यूटी होगी है, बहुत है, इतना अपने बच्चों को सुधार ले वही बहुत है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे बच्चे सुधरे सुधराए हैं। मैं यूँ सोचती हूँ कि जब हमने मानना कि हमने वहाँ पढ़ा दिया किसी भी जगह अपने स्थान पर, तो अपने बच्चे स्वयं पढ़ जाएंगे, मेरा ये विचार है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो अपना ही टाइम नहीं मिलता, हम तो अपना ही करें, बस इतना बहुत है। नहीं, मैं यूँ सोचती हूँ कि यदि हमने एक बच्चे का भी भविष्य सुधार दिया, भाई उसको हमने बचा लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दान है। यानी बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बच्चों को आप अपने घर की सरहद में तो सुरक्षित कर सकते हैं, पर बच्चे को आखिरकार जाना तो समाज के अंदर है, और समाज में भी अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे तो किसी एक परिवार के ना हो, पूरे समाज के बच्चे हैं, तो उनके प्रति हमारी जो जागरूकता है उसमें कमी ना आए और किसी को हम छोड़े ना उनके हाल पे, जी जी, है ना, उसमें इंटरवीन जो हमारा है वो करने का। अच्छा, आप एक शिक्षिका भी हैं, एक आप माँ भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे के व्यवहार में ऐसे कौन से बदलाव हैं जिनकी तरफ माँ बाप को इतना से नोट करना चाहिए अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो? जी जी, एक्चुअली में क्या है कि जैसे मेरा भी बेटा है तो मैं उसको भी जब मैंने ये जैसे न्यूज़पेपर में मैंने ये प्रोग्राम दिया था यौन शोषण का जी। तो उस दौरान मैंने उसको कहा था कि बेटा ऐसे ऐसे है कि जब तुझे कोई यूँ गलत तरीके से छूता है तो तू मेरे को आके बताएगा, मैं हूँ ना, मतलब मैंने ऐसे शब्द कहे जिसे बच्चा यूं लगे कि हाँ मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग पावर खड़ी है, मतलब वो ऐसा मतलब क्या उसको सुधार देगी, मतलब उसको, तो वो कहता है हाँ माँ ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुए ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दूसरी बात ये है कि जैसे हम आप जैसे पूछ रहे थे कि मतलब बच्चों को बताते नहीं हैं कुछ, ऐसा पूछ रहे थे कि हाँ, तो उनमें क्या है कि जैसे मान लो बच्चे के साथ हरकत हुई है
तो उसमें वो चुप्पी चुप सा रहेगा, बिल्कुल अलग थलग सा रहेगा, वो सोचेगा कि मैं बताऊं या ना बताऊं, वो ऐसा मतलब उसके मन में ये भावनाएं चलेंगी, उद्वेलन चलेगा उसके मन में कि मैं कैसे उसको कहूं भाई मेरे साथ ये हरकत की है किसी ने। तो जब हम उसको अकेला पाते हैं, उसको देखते हैं कि भाई ये अकेला क्यों है, तो हम उसके पास जाएंगे, उससे मतलब बड़े ही स्नेह पूर्वक उस बच्चे से पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ है या बेटी है, तो ऐसी क्या बात हुई है जो तू इतनी चुप चुप क्यों है। उसको भूख न लगना, नींद न आना, मतलब एकदम से नींद आई है मान लो तो एकदम से उठ जाना यूं डर के, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और आपने बताया कि इसका समाधान एक ही है कि बच्चे में, उसके माता पिता में, बच्चे में, उसके शिक्षक में एक संवाद रहे, हाँ जी, और उसमें विश्वास रहे कि बच्चे अब अपनी बात को सहज रूप से कह सके और माता पिता के पास इतना समय भी हो कि बच्चे की, क्योंकि बहुत बार मुझे लगता है ये भी होता है कि माता पिता बहुत सारे तो अपने कामों में थोड़े से लगे रहते हैं, उनके पास एक तरह से समय वो थोड़ा होता है, उस थोड़े समय में भी वो हम बच्चों से संवाद ना करके कई बार मोबाइल उठा लिया हमने या कुछ और जगहों पे हमारा समय चला जाता है, पार्टीज में, किसी और चीज में। तो बच्चों के साथ एक समवस्त जो संवाद है उसकी परंपरा को मजबूत करना पड़ेगा। एक्चुअली में मेरा तो यही है कि जैसे मैं जहाँ पे गई हूँ वहाँ पे मैं वहाँ उनसे पूरा वो बातचीत बना के रखती हूँ। इसी तरह ही मैं बच्चे को मान लो मैं पढ़ा रही हूँ तो भी मैं सोचती हूँ कि भाई ये मतलब इसका मेरे साथ इतना जुड़ाव हो कि ये मेरी बात को समझ कर मैं इसकी बात को समझ सकूँ। तो वो क्या है, वो बताता हुआ झिझकता नहीं है फिर, मतलब यदि मैंने बीच में मोबाइल उठा लिया, मैं कुछ काम करने चली गई, या माता पिता अक्सर ऐसे होता है बहुत बिजी लाइफ होती है तो उसमें क्या होता है कि वो नहीं होता उन दोनों के बीच में आपस में तारतम्य नहीं होता, तो वो दोनों नहीं बता पाता कि मम्मा तो काम लग रही है, क्या है, छोड़ो चलो नहीं बताना, तो वो ये सोच के फिर वो रह जाता है कि नहीं चलो नहीं, मम्मा जब सुनती नहीं है मेरी तो मैं क्यों, पापा सुनते नहीं है, पापा अपने मोबाइल में व्यस्त है, अपने कामों में व्यस्त है, तो वो फिर बेचारा उसका और भी ज्यादा मतलब उसको सहता रहता है कई बार सिचुएशन ऐसी आती। और कई बार शायद ये भी स्थिति रहती होगी कि जिन बच्चों ने खुद इस तरह का व्यवहार फेस किया है वो उस समय के लिए उस चीज को लेके बड़ा उहापोह में, एक उलझन में रहते हैं, और जब वो खुद बड़े हो जाते हैं तब वो दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसी हरकतें करें इसकी संभावनाएं काफी हैं। जी जी, तो वो बदला लेने की भावना उनमें हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी ऐसा ही करूँगा उसके साथ, लेकिन वो उसमें वो भावना ना पैदा हो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बच्चे को मतलब बार बार में बच्चे को ये पूछना पड़ेगा, मतलब हमें बहुत संभल के उसके साथ रहना पड़ेगा कि वो अकेला महसूस ना करे, अकेले कमरे में बंद ना हो, जब वो जहाँ भी बैठे तो कई बार बच्चे कहते हैं छोड़ दो मम्मा हमें, हम अपने हम कर रहे हैं काम ये, तो नहीं नहीं मैं करवाऊँगी काम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं करवा रही हूँ काम, मैं देखती हूँ मैं करती हूँ, तो इस तरह से मतलब माँ को या पिता को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। कई बार बच्चे अंदर अंदर क्या करते रहते हैं, मोबाइल अंदर का बुक रखी अंदर अंदर मोबाइल पे और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, तो वो नोट करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे जो है अंदर क्या देख रहे हैं, उनको मोबाइलों में क्या छुपा छुपा के क्या खेल रहे हैं या देख रहे हैं जो भी। तो आजकल क्योंकि देखो वैसे तो मीडिया अभिशाप भी है और श्राप भी है, लेकिन ये श्राप ना बन जाए इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बच्चों ये बेटा ये इस तरह से है, ये गलत है, ये सही है। तो इसका मीनाक्षी इतना तो है कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो अगर मुझे याद आता है कि वो गांधी जी का भी उदाहरण के कोई बच्चा आया, उसने कहा कि उसके माता पिता ने कि मीठा छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि हफ्ते बाद आए, तो कहने का मतलब ये है कि माता पिता या अध्यापक हैं वो जो व्यवहार बच्चों में देखना चाहते हैं वो अपने स्तर पर भी अपनी पर्सनैलिटी में उसका हिस्सा बने। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में क्या है कि हम अक्सर ये करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई हम जो है कर सकते हैं हरकत क्योंकि हम बड़े हैं, समझ गए, लेकिन बच्चा ये हरकत ना करे
तो हमें उसको, अच्छा क्या होता है कि ये बात कॉन्फिडेंस के साथ वही कह सकता है जो ये हरकतें नहीं करता है, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, वो शिक्षक ही उस उन बातों को जागरूक करेगा, वो शिक्षक ही उन मुद्दों को उठाएगा। माना कि अब बड़े बड़े शिक्षक हो गए हैं, बड़े बड़े मतलब उम्र के हो गए हैं, और वो भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे घृणित कार्य करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पर आ भी नहीं सकते, उसकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो अपने आप को कहता है कि मैं बीमार हूँ, इस अवस्था में हूँ कि मैं मतलब ऐसे दिखाता है, लेकिन हाँ और लेकिन कार्य वो ऐसे ऐसे कर जाता है कि वो फिर वो ना तो उसको कोई भी जागरूक कर पाता है, ना स्कूल के कर पाते हैं और ना ही उनके माँ बाप कर पाते हैं। मीनाक्षी जी, मुझे ना एक आपने बताई बात, और मुझे इस बात से एक बात ध्यान आती है। जी जी, एक शिक्षक थे जी, और बड़ी अजीब उनका व्यवहार था, उनके गाँव में प्रतिष्ठा बहुत थी। जी जी, जहाँ वो रहते थे उस गाँव में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। जी, तो सब उनका एक दूसरा चेहरा सबके सब जानते थे। जी जी, और उनकी उम्र काफी थी, मतलब 55-50 इतना कुछ उम्र रही होगी। तो वो क्या करते थे, जो उनके पास बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, जी, उन लड़कों के साथ वो हरकतें करते थे। जी जी जी, तो एक तरह से समाज, मतलब कभी जो वहां पढ़ने वाले बच्चे थे जी जी, वो बाहर जाके बात कह ही नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अगर हम कहेंगे इसके बारे में तो कोई इस बात को यकीन करेगा नहीं। और उस आदमी ने अपना व्यवहार ऐसे कैसे जारी रखा। तो आमतौर पे हम सोचते हैं कि एक लड़की ही है जो एक छेड़खानी का शिकार हो सकती है, तो बचपन में लड़के भी बहुत ज्यादा शिकार होते हैं। लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा, और लड़के मतलब छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि वो बताते नहीं हैं आके घर में, और ज़्यादातर उस परिवेश जो जो आते हैं ना, दूसरे परिवेश से आते हैं जिनमें मतलब माँ बाप सारा दिन काम में लगे रहते हैं, या कोठियाँ वगैरह करते हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर मजदूरी करते हैं, तो उनके बच्चे नहीं बताते हैं कि भाई हमारे साथ टीचर ने ये हरकत की है। तो लड़के भी शिकार होते हैं, क्योंकि चाहिए क्या, एक मानसिकता है उनकी, इतना उनका स्तर गिर चुका है, उस शिक्षक का हो या किसी का भी, चाहे वो बाहर का हो, तो वो उस बारे में सोचते नहीं है। कि वो ये सोचता है कि मेरी तो प्रतिष्ठा बनी हुई है, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन इस बारे के कोई कहेगा भी नहीं। तो वो क्या सोचता है कि भाई हरकतें करते रहो करते रहो, उसके ना कोई टीचर, दूसरा टीचर आवाज़ उठाता है, कोई टीचर यूँ सोचता है चलो छोड़ दो जी मुद्दे, क्यों खाम खाए बदनामी मोड़ ली ये ली। तो ये अच्छा मीनाक्षी, इसमें ना एक क्योंकि अभी तक तो खैर हम बच्चों के इर्द गिर्द बातें एक तरह से कर रहे हैं, पर हालांकि विषय थोड़ा हो जाएंगे, तो मुझे लगता है एक बात कर लेते हैं इस पे कि आपने शुरू में उसकी तरफ इशारा भी किया था कि बहुत बार हम देखते हैं कि सामने वाला एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ में हमारे लिए भी ऑफर होता है, चाहे नौकरी का, चाहे किसी खास व्यवसाय में आने का, चाहे एक खास प्रोत्साहन का, तो वो एक खास तरह की डिमांड सामने वाली महिला से या औरतों से वो करता करते है हैं। और मतलब वो करता है अपने आप, बड़े बड़े अच्छी बात है, और बड़े उसके ऊपर जितना भर्त्सना की जाए वो कम है। जी जी जी। पर कुछ स्थितियां इस तरह ही खड़ी हो जाती हैं कि उसको वो भी मिल जाते हैं जी, जो स्किल कंडीशन को पूरा करती हों महिलाएं या लड़कियां, उसके बाद उसको वही मिल जाती है उनको, और फिर कहीं ना कहीं दोनों की एक उस लेवल के ऊपर वो इक्वल लेवल के ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं भी मुझे इतना काम मिल रहा है तो मेरे लिए ठीक है, और मुझे अगर इतना कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं। तो शायद महिलाओं को भी जो जिस जीरो टॉलरेंस को चाहिए होता है, वो उसकी भी उसमें दरकार है अभी। एक्चुअली में क्या है कि जैसे आमतौर पर जब बड़े ओहदे पर बैठे होते हैं कोई भी, तो वो उसको थोड़ा सा करते ही हैं ऐसा, तो मेरी नॉलेज में भी हैं, लेकिन मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। तो इस तरह से शिकार होती हैं महिलाएं भी, और इवन तक जेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो हरकतों में नहीं होते, चाहे वो अलग तरीके से होते हों बेशक से, लेकिन होते हैं वो, उनका पूरा फ़ायदा उनका भी उठता है, बहुत ज़्यादा उठाते भी हैं बड़े जो होते हैं ऑफिसर्स जो हैं बड़े। तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि यदि हम ऐसे ही चलता रहा कारमा, तो ये मैं सोचती हूँ कि ये तो फिर सुधार होएगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा।
तो इसमें सुधार की गुंजाइश तब होगी तब जब हम अपना स्वार्थ त्याग कर, अपना निजी स्वार्थ त्याग कर और हम उसके बारे में बात करें, दूसरे से बात करें कि भई हमें जो है इस तरह से वो किया जाता है। तो वो ऐसे कई शिक्षक भी हैं जो उस मुद्दे को आगे तक ले जाते हैं और उसको प्रताड़ित, जो जीरो टॉलरेंस आप कहते हो, वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मतलब एक बात करने की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो बहुत है लोगों में। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यदि हमने विकास जी से बात कर ली या किसी और से बात कर ली तो ये बात बढ़ जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये बदनामी नहीं होगी, ये एक पहला स्टेप है जो उठाना ही पड़ेगा। यदि हम इसको नहीं उठाएंगे तो हम सहन करते जाएंगे और एकदम हद जब हो जाएगी तो फिर हम खुद ही करेंगे फिर। अच्छा मीनाक्षी जी, क्या कई बार ऐसा भी आपसे बात करते हो मुझे लग रहा है कि बड़े जो लोग हैं जी, जितने भी व्यवहार हैं वो सबके सब व्यवहार जानते हैं उसके हिसाब से उनमें रहते हैं जी, पर उन बड़े लोगों के पास एक चालाकी होती है जी जी, भी कहाँ पे उस व्यवहार को छिपाना है और कहाँ पे दिखाना जी है जी। अब बच्चे जब बड़ों को देख के वो व्यवहार ग्रहण करते हैं, अब उनमें उस चीज की अभी समझ नहीं आई कि इसको व्यवहार को हम कहाँ पे प्रदर्शित करें, कहाँ पे छिपाएं, तो शायद जो व्यवहार है वो बच्चों का एकदम सामने हमारे आ जाता है, जबकि वो बड़ों के साथ अगर वो चीज हो तो देर में पकड़ में आ पाती है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो बच्चा जो है हमारा बड़ों का एक तरह से आईना है जी जी जी। तो बच्चे के अंदर जो भी छाया, जो भी तस्वीर है, अगर वो भद्दी है तो कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी है उसमें भद्दापन है उसका। तो बच्चे तो जैसे मान लो कि आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों को बड़ा गौर करते हैं कि सर आप बहुत क्यूट लग रहे हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह की वो बातें करते हैं बच्चे। इट मीन्स कि वो बच्चे उसके बारे में जागरूक हैं, तो वो रोल मॉडल देखते हैं अपने टीचर में, जैसा टीचर पढ़ा रहा है वो। मैं जैसे पढ़ा रही थी, मुझे याद है कि मेरी क्लास में एक आदित्य नाम का लड़का है, तो मेरे चेहरे की तरफ और ऐसे देखता रहेगा। तो मैंने कहा बेटा तू मेरे चेहरे की तरफ क्या देखता है? बोला मैम जब आप इंग्लिश बोलते हो तो मैं आपका ना वो देखता हूँ कि आप कैसे बोलते हो। तो मैं बहुत सारे शब्द जो हैं वो इंग्लिश के यूज़ करती हूँ ताकि बच्चा जो है, क्योंकि एक प्राइमरी लेवल में है तो वो उसको सीखे। तो इसी तरह से वो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं, टीचर से हम क्या बात करते हैं, वो किस तरह का, तो वो एक एक बातों को ऐसे कैच करते हैं। तो इसीलिए मतलब थोड़ा करो, लेकिन यूँ नहीं कि मैं भाई एकदम से बच्चों को ऐसा लगे कि भाई हमारे टीचर्स जब ऐसे हैं तो हमें तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर वो भी ऐसे हो जाते हैं। अच्छा इसमें बिल्कुल सही आपने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास आ जाती है। अच्छा आपके समझ के मुताबिक आमतौर पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम बच्चे को बड़ा सुरक्षित मानते हैं पर जबकि बच्चे को बड़ा स्थितियाँ वहाँ पर भी खराब रहती हैं बच्चे के लिए? एक्चुअली में स्थिति तो देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि सुरक्षित बच्चा, अब यदि हम यूँ कह दें कि हमारे घर में सुरक्षित है बच्चा जी, तो घर में कई बार क्या होता है कि माता पिता तो हैं लेकिन कई कईयों का परिवेश ऐसा होता है कि वो पिता भी उसके बेटे के साथ या बेटी के साथ गलत हरकतें करता है। मान लो माँ बाहर काम करने के लिए चली गई, और कई ऐसे होते हैं पिता, मैंने तो बहुत सारे मतलब देखती भी हूँ और सुनती भी हूँ कि वो उसको गोद में लेके और उसको ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे उसके साथ, तो वो बच्ची नहीं बता पाती है। वो मतलब ऐसा ऐसा तो महसूस करती है लेकिन वो बता नहीं पाती है, लो बेटा चॉकलेट ले लो, ये ले लो, मतलब उसको लालच दिए जाते हैं, तो उससे वो चुप रहती है, वो सोचती है कि मेरे पिता हैं। लेकिन जबकि उसको ये नहीं पता कि मैं मम्मी को ये बात कह दूँ कि मेरे पिता ने इस तरह से मेरे साथ किया है, वो जब ये बात मतलब वो कहने में सक्षम होगी तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए ये नहीं है कि कहाँ पर सुरक्षा है, सुरक्षा देखा जाए तो कहीं भी नहीं है सही मायने में। तो ये देखें कि स्कूल में सुरक्षा है तो स्कूल में भी नहीं है, क्योंकि कहने को तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं और मतलब अपने बच्चों को, अपने जो स्कूल के बच्चे हैं अपने बच्चों से भी बढ़कर मानते हैं, लेकिन कई टीचर्स ऐसे हैं जो उन छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, तो फिर वो कहाँ सुरक्षित हुए। अच्छा इसमें मीनाक्षी जी कहीं ना कहीं जो हमने शुरू में बात की जी जी,
वो ये था कि हमारे यहाँ पे हम चीज़ों को सामने तो रखते नहीं, जी जी, सोचते हैं उनको दबा दें, छिपा दें। अब कानून के मुताबिक किसी छोटे बच्चे के साथ अगर कोई किसी भी तरह की हरकत होती है तो 7 साल या 10 साल की कैद उसके लिए है। बिल्कुल, और अगर कुछ और तरह की छोटे बच्चे को कोई ऐसी सामग्री दिखाई जाती है तो उसके लिए मुझे लगता है 3 से 5 साल का कुछ सजा का प्रावधान है। और इस बात के बारे में भी मुझे लगता है कि जागरूकता का अभाव संस्थानों में है कि अगर किसी संस्थान में किसी बच्चे के साथ कोई हरकत होती है और उस संस्थान का जो प्राचार्य है या हेडमास्टर है या कोई ऐसा हॉस्टल है उसको कोई वार्डन है उसकी वो सूचना पुलिस को नहीं देता तो उस जो सक्षम व्यक्ति है उसके लिए भी कैद का प्रावधान है। ये इतना खतरनाक कानून है, मतलब यदि उसको सजा दिलवाई जाती जिसने हरकत की है या करता है तो वो उसके लिए एक सबक बन जाएगा और आसपास के जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए भी ये सबक हो जाता। तो हम क्या करते हैं, हम उस बात को छुपा लेते हैं, हमें क्या है, बदनामी होगी, काम का अखबार में नाम आएगा, ये है वो है, ये सोच के हम उसको दबा लेते हैं। इवन तक बड़े बड़े ऑफिसर्स भी इस बात को दबा लेते हैं, वो भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, उस टीचर्स का इधर उधर कहीं भी मतलब कुछ कर देना, डेपुटेशन कर देना, या इतना ही काफ़ी समझते हैं कि ये बहुत है, चलो इसको इस जगह से हटाए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि गुरु नानक जी की एक बात मुझे बड़ी याद आती है कि वो कहते थे कि जो अच्छे हैं वो उजड़ो और जो गंदे हैं वो यहीं बसे रहो। जैसे तो जो अच्छे हैं, जो गंदा है वो वहीं बसा रहता तो उसी उसी वातावरण को गंदा करता। लेकिन वो उजड़ के और दूसरे जगह पे चला गया तो उसने वो वातावरण तो खराब कर ही दिया है और अगला वातावरण भी खराब करेगा। अच्छा, जोशी जी, एक मैडम जोशी जी, तो उसमें एक ये भी है कि जो हम अपने आप को मानते हैं कि महान सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के हम लोग हैं, हमारी संस्कृति और वो बहुत महान है, तो इस महानता ने भी मुझे लगता है कई बार हमारी आंखों में एक पर्दा डाल देती है, तो उसके नीचे हम झांकने की कोशिश नहीं करते कि इस कारपेट के नीचे क्या क्या मतलब है अभी तक इकट्ठा हुआ। तो हमें भी चाहिए कि वो महानता या संस्कृति के ऊपर जो गर्व की बातें हैं वो होती रहे, अच्छी बात है, पर उसके बावजूद जो आधुनिक ढंग से बच्चों को देखने की जो कोशिश है वो हम करें। और अच्छा, एक और जो आपने बात कही थी कि बच्चा ना घर में सुरक्षित, ना विद्यालय में, ना अपने परिवेश में, तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि बच्चा अगर सुरक्षित हो सकता है तो बच्चे की अपनी हिम्मत है जो सुरक्षित कर सकती है। तो चाहे हमारे बहुत छोटे बच्चे भी हों उनको भी हम बोलने की हिम्मत दें, उनके लिए ऐसे मौके दें कि वो सहजता से किसी ऐसे मंच के ऊपर, ऐसी मंडली के अंदर वो बात कर सकें। और शायद जैसे प्राथमिक शिक्षक हैं तो वो शुरू का आधा घंटा या बाद का आधा घंटा या सप्ताह में एक दिन इस चर्चा के ऊपर, क्योंकि जो बालिका मंच की भी आपने बात कही, वो छठी से जो आगे के जो लड़कियां हैं उनके लिए मंच है, पर शायद लड़कों के लिए ऐसा कोई मंच है मंच, बालक मंच होना चाहिए जी। मैंने बल्कि कहा था, और शायद मैं अब TGT संस्कृत हो गई हूँ तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पर कि बालक मंच जरूर हो। मैं अपना विचार वहाँ रखूँगी, या सभी टीचर्स जो हैं वो जाते ही थोड़ा थोड़ा इस बात के बारे में, इस मुद्दे के बारे में ज़रूर चर्चा करें। मेरा तो यही विचार है, आगे देखते हैं क्या अप्लाई होता है जी। तो यानी कि अभी बालिका मंच की जो अवधारणा है बड़ी लड़कियों को लेके है, तो शायद जो प्राइमरी के जो हमारे बच्चे हैं उनको उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो बच्चे ने तो वो मतलब उसके साथ जो हरकतें हुई हैं तो वो इतना छोटा है कि वो उस बात को बता भी नहीं सकता। चलो बड़े बच्चे ने तो थोड़ा बता भी दिया, अपनी सहेली को बता दिया। तो मुझे एक बात याद आती है कि एक किसी टीचर की कक्षा में, और वो 3rd या 4th क्लास में थी वो बच्ची, तो उस बच्ची के साथ वो हरकतें होती रहती थी, और करता कौन था, पड़ोस का लड़का, और लड़का भी कितना मतलब उससे थोड़ा ही उम्र बड़ा। तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि जब मैंने उसने जब किसी सहेली को बताया, अपनी फ्रेंड को, हमें नहीं बताया, तो उसने बताया तो उन लड़कियों ने हमें बताया कि जी देखो ये इस प्रकाश का है। उसने कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, ये है वो है, मतलब उसने उसको इतना मतलब वो कर लिया उसको भावनाओं में कि वो भी उसके लिए तैयार होगी।
तो उस छोटी बच्ची को पता तो है नहीं इन चीज़ों का, लेकिन वो तैयार होगी क्या करें, क्योंकि गलत हरकतें जो है ना कई बार ऐसे ही हो जाती है कि वो उसका सा वो कह भी नहीं सकती, और कहे तो कहे किसको, माँ बाप होते ही नहीं है घर में, तो वो सहन करती रहती है। अच्छा फिर क्या हुआ कि उसके बारे में जब हमने उसके माँ बाप को बुलाया तो उल्टा उसके माँ बाप ने यूँ कहा कि हमारी लड़की तो ऐसी है ही नहीं, आप तो इसको बदनाम कर रहे हो। मतलब कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि मान लो टीचर ने आवाज़ उठा भी ली, लेकिन वो माँ बाप जो है ना वो उसको दबाना चाहते हैं, वो उसको उठाने से, वो अपनी लड़की में कोई कसूर देखते ही नहीं है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि तुरंत जो है उसको, मतलब लड़की को डांटो, उससे बात एक एक पूछो, ताकि वो आगे के लिए सचेत हो जाए, वो लड़की भी वो हरकत ना करे और वो लड़का भी ना करे। मीनाक्षी जी, आपने एक मुझे भी एक ऐसी बात ध्यान आ गई, क्योंकि मुझे लगता है ऐसी अगर बातें कहेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि इस तरह की वाकई है। तो एक घटना मुझे भी ध्यान आती है, एक मेरे परिचित हैं उसके गांव की एक कहानी है। वहां पे एक शिक्षक था, छठी से आठवीं के बच्चों को पढ़ाता था वो, और उसने उस गांव की कई जो लड़कियां हैं उनके साथ वो हरकत की। पर गांव के लोगों ने एक तरह सोचा कि भी हमारी अपनी इज्जत है, तो सिर्फ उस वजह से वो नहीं किया और वो हरकतें उन बच्चों के साथ लगातार होती रही। तो बाद में स्थिति यहाँ तक आ गई कि लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल तक से भी हटा दिया, पर वो व्यवहार उस आदमी का वहां पर नहीं रुका। और एक और घटना एक मेरे अन्य दोस्त उन्होंने बताई थी अपने घर के पास की। उन्होंने कहा कि एक लड़का था, एक बड़ी उम्र का लड़का था, और उस लड़के का क्या रहता था कि वो वहाँ उस परिवेश में कोई जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं स्कूल गोइंग, उनको वो अपनी बातों में फुसलाता था और उनके साथ हरकतें करता था। तो अब पहली बार उसने हरकत की तो उनके परिवार वालों को पता चल गया, तो फिर भी उन्होंने उस बात को दबा दिया। फिर और हरकत की तो वो दब गई, मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और आखिर में उसने ऐसी बड़ी घटना की के जिसने फिर सबको वहां पे वो कहते हैं कि हिला के रख, हिला के रख। तो ऐसा ही होता है ना, जब हम छोटी बात को दबाते रहेंगे और उसको मतलब नहीं कहेंगे तो कभी ना कभी तो बड़ा रूप लेगा वो। अब ये यौन शोषण का है ये मुद्दा, या हम एक एक मुद्दा ये भी है कि जैसे कि बच्चों में सिगरेट पीने की आदत है, या वो आदत वो कहाँ से पड़ती है, वो परिवेश से ही तो पड़ती है जी। वो माँ बाप को वो देखते हैं कि हाँ भाई बड़ा कष्ट लगा के पी रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो खास होगा, तो वो उन्हीं बच्चों में आदत, वो फिर वो आदत पड़ गई तो वो उनको देख कर फिर वो क्या करते हैं कि जैसे बाहर से सप्लाई हो रहे हैं आजकल, तो मैं बहुत जैसे अभी मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी का देखा था, आप यकीन नहीं करोगे, एमिटी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे जो कॉलेज गोइंग है, जो कॉलेज जा रहे हैं उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका हाल देखो तो गेट पे मतलब लड़कियां और लड़के सभी जो हैं उसको आराम से उसमें सिगरेट में उसको जो गांजा जो अफीम जो भी होता है उसमें भर के उसका कश ले रहे हैं। तो आदत कहाँ से पड़ी, क्योंकि माँ बाप ने कहा नहीं। उसमें थोड़ा संशोधन ये करना चाहूंगा कि ना सिर्फ किसी एक संस्थान में, अगर हम वाकई ध्यान से देखें, मान लो विश्वविद्यालय में है, तो हमें यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसे कोने मिल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ है ही सामान्य। मैं मतलब एक उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इसलिए नाम लिया क्योंकि मैंने अभी अभी प्राइम न्यूज पर देखा था, तो इसीलिए मैंने लिया प्राइम न्यूज पर। जी जी, प्राइम न्यूज में खबर आई थी तो मैंने ये देखी थी। बाकी ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनका दबा रह जाता है, होता सभी यूनिवर्सिटीज में है, हॉस्टलों में भी होता है ऐसा। जी जी, तो नहीं वो नहीं होता। मतलब क्या मतलब अगर हम सार रूप में इस पूरी बात कह गए, क्योंकि अभी तो हमने इसकी समस्या को समझने की थोड़ी सी कोशिश की चर्चा के माध्यम से, इसके डायमेंशंस हैं क्या क्या, क्या जो इसकी शुरुआत है एक तरह से कैसे, मतलब बच्चों को समझाएं कि एक जो ये चीजें हैं इनको बच्चा कैसे सामान्य ले। हाँ ये भी मुद्दा है, और इस तरह से मतलब किस तरह से लगता है कि हमारे जो बड़े भी लोग हैं उनमें जो स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनको लेके वो इतनी ज्यादा रिजर्वेशंस उनके दिमाग में हैं, वो भी एक एक पुरुष और एक, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में दुर्भाग्य से ऐसा माहौल रहा नहीं कि एक पुरुष और महिला सामान्य मुद्दे के ऊपर भी खुल के बात कर सके, ऐसे माहौल है नहीं, उनके कुछ और ही अर्थ सबके द्वारा निकाल दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो
जब तक बड़े उस चीज को लेके इतने सहज नहीं है, उनके मन के अंदर खुद की कुंठाएं हैं, तब तक वो बच्चों को बिना कुंठा के कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल। क्या मतलब, ऐसे में जो किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं और चाहे शिक्षक हैं, चाहे अन्य विभाग हैं और चाहे समाज के बाकी के लोग हैं, क्या उन सब के लिए उस तरह के कैंपेनिंग की या ट्रेनिंग की या ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। मेरे विचार में तो मतलब सभी टीचर्स ऐसे ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं जी। इवन तक चाहे जेंट्स लगाओ या लेडीज़, तो मैंने बहुत देखा है कि लेडीज़ भी जब भी बात करती हैं तो क्या ये मुद्दे हैं और ऐसे कोई भी मुद्दे जो हैं नहीं करने चाहिए इस तरह के, मतलब वो यूँ सोचती है कि क्या है ये बातें कोई करने की थोड़ी हैं, मतलब इस तरह से करके और इसको दरकिनार कर देती हैं और नहीं करते इस पर बात, जेंट्स भी नहीं करते और लेडीज़ भी नहीं करती, तो इस पे होना चाहिए एक कमेटी बनानी चाहिए उन लोगों को। मैं मतलब दो तरह की विडम्बनाएं शायद हम सबके बीच में हैं। पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे पे एक ढंग से बात नहीं करते जी। और दूसरी एक अजब स्थिति ये है कि बहुत बार हमने ये देखा है कि वो चाहे महिलाएं अलग से बैठी हों, पुरुष अलग से बैठे हों, इस चीज को मजाक के उस फॉर्म में तो हमेशा करते हैं, बहुत बार करते हैं, बहुत बार, पर अलग वे में बात को ले जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जब मान लो कि टीचर्स साथ साथ बैठे हैं तो उन गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाए, बजाय कि चलो हंसी ठिठोली एक अलग बात है वो करें, लेकिन उसको अलग वे में ना लेके जाए उन बातों को। मान लो कि मैंने बात कह दिया, आप अदर वे में उसको लेके और उसको भद्दी तरह से आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको पेश कर रहे हैं, तो उस महिला को भी बड़ी अजीब सा ही लगेगा अभी हाँ ये बात हो रही है। तो सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, तभी तो हम बच्चों को सुधार पाएंगे, तभी हम बच्चों तक ये बात पहुंचा पाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को तक ये बात मतलब पहुंचे, या छोटे छोटे बच्चों को हम जागरूक करें, स्वयं सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही सुधारना चाहिए या सुधारने का प्रयास करना चाहिए कि भई हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें जो हैं इनसे हासिल कुछ नहीं होता है, लेकिन बस एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लोग इसको आमतौर पर उसको लेते हैं। तो अगर सार रूप में अगर हम अपनी पूरी बात का समेकन एक तरह से करना चाहें तो इसमें क्या आखिर में आप कहना चाहेंगी बड़ों से, बच्चे मुझे लगता है जी, पाएंगे। जी 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 हाँ, कुछ हद तक बच्चों को हम दिखा सकते हैं चीजें, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर एक कहने से बड़े लोगों के लिए क्या संदेश हमारा हो सकता है? हाँ, बड़े लोगों के लिए संदेश ये है कि सभी अपने अपने बच्चों को ये बातें समझाएं कि बच्चा जब आप लोगों को कोई आप लोगों के साथ ये इसी प्रकार की हरकत हो, किसी प्रकार का स्पर्श, ऐसा स्पर्श जो जिससे आपको ये लगे कि ये गलत है, तो आप आके मतलब अपने माँ बाप को, टीचर को, किसी को बताएं जी। उस या टीचर भी करें या कोई भी उनके घर में कुछ कोई भी करे तो जरूर बताएं, और यदि वो उस बात को छिपा रहा है या कुछ मतलब इस तरह से, तो उसका बच्चे को मतलब उसको पास बैठें, उससे बात करें, ताकि वो बच्चा खुल के उस पर विश्वास करके वो सारी बात बता सके कि हाँ भी कुछ। और दूसरा ये भी है कि बच्चों के सामने सहज रहें, खुल के बात करें, बच्चों को अपनी बात कहने का मौका दें, और ऐसे मौके बच्चे को घर में भी मिले, स्कूल में भी मिले, और बच्चे क्योंकि हम सबकी धरोहर हैं, अगर सारे बच्चे अच्छे से होंगे तो हम कभी ये ना समझें कि वहाँ का बच्चा है, उस गली का बच्चा है, तो मुझे क्या, ना ना ऐसा भाव कभी ना हो। और हमारे आसपास कोई ऐसी घटना होती है तो अथॉरिटीज को हमेशा सूचित करके एक अच्छे जो नागरिक है उसका फर्ज निभाएं। तो मीनाक्षी जी, आज आपने इतना वक्त निकाला और एक छोटी सी हमारी ये कोशिश थी दोस्तों के इस मुद्दे को लेकर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़े समाधान तो जो बहुत जिनके हाथ में शक्ति होगी या रिसर्च होगी उनके हाथ में होगी, पर हम सामान्य शिक्षक हैं, हम किसी मुद्दे को लेकर बात ही कर सकते हैं और हमारी बातचीत का एक ही प्रयोजन है कि ये बातचीत और आगे जारी रहे, शिक्षकों के बीच में हो, पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षकों के बीच में, या कर्मियों के बीच में आपस में इस मुद्दे को लेकर साझा समझ बने
और फिर शिक्षक के और बच्चों के बीच में बातचीत हो। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अक्सर क्या होता है कि लोग जैसे माना कि कोई महिला है और वो ब्रॉड माइंडेड है जी, तो वो क्या है कि वो हंस के बात करे या फिर मतलब उस कोई भी बात है जैसे इन मुद्दों पर चर्चा करे तो क्या है अक्सर टीचर्स जो है ना वो ही गलत ले लेते हैं उसको जी, जी, कि ये तो ऐसी होगी या ये तो मतलब बेले बैठे हैं लोग, मतलब कई प्रकार ऐसी बातें भी मुझे सुनने में आती है कि हाँ बेले बैठे हैं, मतलब ये नहीं है कि और मतलब बेले बैठे हैं क्या, ये एक भावना है उसके अंदर, वो कुछ करना चाहते हैं। मीनाक्षी, इसमें सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है, ऐसी बातें कहने वाले वो लोग होते हैं जो वास्तव में कुछ नहीं कर रहे होते जी, कुछ नहीं कर रहे होते ना, अपने फील्ड में कुछ करते ना, सामाजिक सरोकारों से उन्हें कोई मतलब है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज आती है दूसरों के ऊपर बातें बनानी। और खास तौर से महिलाओं के साथ तो ये चीज जुड़ा ही है कि जो भी महिला एक मान लो पोजीशन जो महिलाओं की समाज ने तय की उससे थोड़ा सा भी आगे निकलेगी तो कई लोगों को काफी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो खैर महिलाओं से तो यही है कि इन परेशानियों से जब वो पार पाएंगी तभी एक नया उनके लिए पायदान तैयार होगा। तो मीनाक्षी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत से जो इस तरह की जो बातें हैं वो और कम हों और हम सब के सब इस चीज को दूर करना अपना एक पावन और आवश्यक दायित्व समझेंगे। तो विकास को भी फिलहाल यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से आज अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।